हाय एवरीवन, वेलकम। मैं हूं आंचल और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं 10 टिप्स टू लुक यंग इन साड़ी। नाउ कुछ भी एज हो हमारी, हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हम अपनी एज से थोड़े से कम दिखें, हमारे चेहरे पर रिंकल्स ना नज़र आएँ और हमारा चेहरा डल ना दिखे, हमारे डार्क सर्कल्स ना दिखें, हम थोड़े से यंग लगें। इसमें कोई बुराई नहीं है। देखो, हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपनी स्किन के ऊपर, अपने बालों के ऊपर, वर्कआउट करते हैं टू लुक स्लिम, ताकि हम पतले रहेंगे तो हम थोड़े से यंग दिखेंगे। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम अपनी एज से थोड़े से कम एज के ही लगें, कोई भी एज हो चाहे हमारी। इसमें कोई बुराई नहीं है, हर कोई चाहता है कि वो अपना बेस्ट वर्जन, अपना बेस्ट दिखे। सो साड़ी के क्या टिप्स हैं उसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी। यू नो कि साड़ी में अगर आपको यंग दिखना है, कई बार ऐसा भी होता है कि आप यंग हैं फिर भी साड़ी पहनने के बाद लुक थोड़ा सा मैच्योर्ड सा और थोड़ा सा यू नो एज ज़्यादा सी लगती है। तो क्या क्या ऐसे टिप्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं जिनकी वजह से आपको एक यूथफुल लुक मिलेगा साड़ीज़ में, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। ओके, सो नंबर वन टिप मेरी ये रहेगी कि आप ट्रेडिशनल साड़ीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करते हुए मॉडर्न साड़ीज़ को पिक कीजिए, जो थोड़े से ट्रेंड में है, थोड़ी सी मॉडर्न डिज़ाइन में है, कंटेम्प्रेरी लुक में है, इस तरह की साड़ीज़ को आप चूज़ कीजिए। जितनी भी ट्रेडिशनल साड़ीज़ हैं, जैसे कि हर एक स्टेट से हमारे एक अलग यू नो हर एक स्टेट से एक ट्रेडिशनल साड़ीज़ होती हैं। बनारस से बनारसी हो गई, साउथ से कांजीवरम हो गई, महाराष्ट्र से पैठनी साड़ीज़ हो गई, इस तरह की जितनी भी ये सिल्क्स एंड कॉटन्स हैं ना, इसमें थोड़ा सा मैच्योर्ड लुक लगता है। वैसे ये बहुत रॉयल और क्लासी ग्रेसफुल लुक दे सकती हैं आपको, बट उतनी यूथफुल नहीं लगती हैं। जब भी इनको पहनते हैं तो कहीं ना कहीं वो ऐसा लगता है, आप नोटिस करना ये चीज़। मैं खुद भी जब मैं सिल्क साड़ी वगैरह पहनती हूँ तो मुझे ये लगता है कि यार मेरी उम्र बहुत थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। तो मैं ज़्यादातर इसीलिए मैं बहुत कम पहनती हूँ सिल्क साड़ीज़ वगैरह, मैं उतना प्रेफर नहीं करती। थोड़े से मॉडर्न डिज़ाइंस में, कंटेम्प्रेरी डिज़ाइंस में मुझे साड़ी ज़्यादा पसंद आती हैं, एंड मुझे लगता है कि उसमें मैं थोड़ी सी ज़्यादा यू नो मेरी एज थोड़ी सी कम ही दिखती है। सो ट्रेडिशनल साड़ीज़ को आप डिच करते हुए मॉडर्न साड़ीज़ को पिक कर सकते हैं अगर आपको एक यूथफुल लुक चाहिए तो। बाकी ऐसा भी नहीं है कि आप ट्रेडिशनल साड़ीज़ को बिल्कुल ना पहने। येस, हम अपनी स्टाइलिंग के थ्रू भी ट्रेडिशनल साड़ीज़ को भी हम थोड़ा सा मॉडर्न लुक दे सकते हैं, या फिर ट्रेडिशनल साड़ीज़ के कुछ इस तरह की साड़ीज़ ले सकते हैं जो थोड़े से मॉडर्न डिज़ाइन में बनी हुई हो। सो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट मेरा पहली टिप आपको यही होगी कि ट्रेडिशनल साड़ीज़ को अवॉइड कीजिए एंड मॉडर्न साड़ीज़ को पिक कीजिए। नेक्स्ट इज़ फैब्रिक। जितने भी स्टिफ फैब्रिक हैं, जैसे कि सिल्क है, कॉटन है, टिश्यू मटेरियल है, इस तरह की जो फैब्रिक्स होते हैं वो ना बहुत बल्की लुक दे सकते हैं आपको, एंड जिसकी वजह से आपका जो लुक है वो थोड़ा सा मैच्योर दिख सकता है। सो थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आप साड़ी में टॉल एंड स्लिम लगें। सो गो फॉर शिफॉन्स, साटन्स, क्रेप्स, जॉर्जेट्स, या फिर सॉफ्ट नेट, सॉफ्ट ऑर्गेन्जा, इस तरह के मटेरियल में बहुत ही अच्छा एक यंग लुक मिलता है। थोड़ा सा मतलब अगर आप इस तरह के फैब्रिक पहनेंगे ना तो आपकी जो भी एज है उससे थोड़ी सी कम ही लगेगी। तो सो गो फॉर दीज टाइप ऑफ साड़ीज़, ये काफ़ी हद तक आपको एक यंग लुक देने में हेल्प करेंगी। नाउ प्रिंट्स एंड कलर्स की अगर मैं बात करूँ तो थोड़े से ना फन और वाइब्रेंट कलर्स को आप पिक कीजिए, थोड़े से फन प्रिंट्स को आप पिक कीजिए, जो थोड़े से स्मार्ट प्रिंट्स हैं उनको आप पिक कीजिए। ऐसे प्रिंट्स एंड कलर्स को चूज़ करने में आपका जो साड़ी लुक है वो थोड़ा सा बोरिंग नहीं लगेगा एंड काफ़ी हटके और यूथफुल लगेगा। सो आप थोड़े अच्छे वाइब्रेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ट्रेडिशनल साड़ीज़ की ही, यहाँ पर अगर आपको ट्रेडिशनल साड़ीज़ पहननी है तो आप कोई टिपिकल लाल, ग्रीन या फिर येलो कलर, इस तरह के कलर मत लीजिए, आप थोड़े से डिफरेंट कलर लीजिए। जैसे मेरे पास ये साड़ी है, ये बनारसी साड़ी है, प्रॉपर पूरी जाल बनारसी साड़ी है ये, और इसमें मीनाकारी वर्क भी है, बट इसका जो एक कलर है वो काफ़ी डिफरेंट है, तो ये उतना ट्रेडिशनल नहीं लग रहा है। ट्रेडिशनल साड़ी है बट उतनी ज़्यादा ये ओल्ड स्कूल टाइप नहीं लग रही है। तो इस तरह के कलर्स आप पिक कीजिए, अगर ट्रेडिशनल साड़ी भी अगर आप पिक कर रहे हैं तो इस तरह से पिक कीजिए। ट्रेडिशनल होते हुए भी ये साड़ी काफ़ी मॉडर्न लुक दे रही है। सेम मेरे पास ऐसी एक रेड साड़ी भी है, बट आप देखो दोनों ही लुक अच्छे हैं, बट सिर्फ और सिर्फ कलर की वजह से बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो टिपिकल लाल, हरे, इस तरह के जो कलर्स होते हैं ना, इनको आप अवॉइड करते हुए थोड़े से हटके डिफरेंट कलर चूज़ कीजिए, तो आपको ज़्यादा अच्छा एक स्मार्ट लुक मिलेगा। एंड न्यूट्रल कलर्स, अर्धी कलर्स को आप जो मतलब
जैसे ब्राउन हो गया या फिर बेज कलर हो गया, नॉर्मल जो हमारे सिंपल कलर्स होते हैं क्रीम ब्लैक, इनको आप अवॉइड करते हुए थोड़े फन कलर्स को पिक कीजिए, तो आपको ज़्यादा स्मार्ट और यू नो यूथफुल लुक मिलेगा। एंड प्रिंट्स की अगर मैं बात करूँ तो प्रिंट्स को आप हल्के कलर में रखिए, बहुत ज़्यादा डार्क कलर में प्रिंट्स मत चूज़ कीजिए। थोड़े हल्के प्रिंट होंगे, हल्के कलर में प्रिंट होंगे तो वो ज़्यादा सटल लुक देंगे आपको, थोड़े से सॉफ्ट लुक आपको देंगे एंड थोड़ा सा आपको यंग दिखाएंगे। डार्क कलर्स में आप उतना ज़्यादा उतना अच्छा लुक नहीं आपको मिलेगा। ऑल्सो प्रिंट्स जो हैं वो थोड़े से स्मार्टली उनकी प्लेसमेंट होगी तो वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। जैसे मेरे पास ये एक ग्रीन साड़ी है, इसमें प्रिंट्स हैं, वाइट कलर के प्रिंट्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े, ये इसमें लीव्स का प्रिंट है, बट बहुत ही स्मार्टली प्लेस्ड हैं, तो कहीं ना कहीं इन प्रिंट्स की वजह से साड़ी का लुक बहुत इन्हांस हो जाता है, काफ़ी मॉडर्न लगता है। तो इस तरह से आप थोड़े से स्मार्ट पीसेस को पिक कीजिए। नेक्स्ट है अवॉइड हैवी एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी। जितनी भी ये बहुत भारी वाली साड़ीज़ होती है ना, जितनी भी हैवी वर्क वाली साड़ीज़ होती हैं, इसमें कहीं ना कहीं लुक थोड़ा सा हमारा दिखता ही है, थोड़ा सा मैच्योर दिखता ही है। अगर आपको थोड़ा सा यंग दिखना है तो कम काम वाली साड़ी पहनिए, हल्का काम हो जिसमें या फिर जिसमें काम ही ना हो, इस तरह की साड़ी आप पहनिए, उसमें आप ज़्यादा अच्छे लगेंगे, ज़्यादा स्मार्ट और मॉडर्न लुक आपका लगेगा और थोड़ा सा यंग दिखेगा। जितनी भी हैवी हैवी साड़ीज़ होती है ना, उसमें कहीं ना कहीं लुक बहुत ही ज़्यादा गॉडी लगता है। सो मैं तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है हैवी एम्ब्रॉयडर्ड साड़ीज़, मतलब बॉर्डर से एक्स्ट्रा भी थोड़ा सा काम होता है ना, तो मुझे वो साड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आती है। सो कोशिश कीजिए हल्के काम की साड़ी आप पहनिए। एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी अगर आपको चाहिए तो लाइट कलर्स पिक कीजिए, जैसे कि न्यूट्रल कलर्स या फिर पेस्टल कलर्स में आप साड़ी पिक कर सकते हैं। उसमें हैवी एम्ब्रॉयडर्ड साड़ीज थोड़ा सा सटल लुक आपको देंगी, थोड़ा सा सॉफ्ट लुक आपको देंगी एंड थोड़ा सा यंग दिखाने में आपको हेल्प करेंगी। बट अगर आप डार्क कलर चूज करते हैं, रेड ग्रीन येलो ब्राइट कलर्स यूज करते हैं और उसमें खूब सारी हैवी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, तो वो बहुत ज़्यादा टैकी लगेगी एंड आपके लुक को थोड़ा सा मैच्योर ही दिखाएगी। सो गो फॉर लाइट कलर्स इफ़ यू वॉन्ट हैवी एम्ब्रॉयडर्ड साड़ीज, और एल्स आप लाइट एम्ब्रॉयडरी में साड़ीज पिक कर सकते हैं। एंड हल्के फुल्के काम की जो साड़ी होती है ना, वो डार्क कलर में हो या फिर लाइट कलर में हो, दोनों ही कलर्स में, हर तरह के कलर्स में सटल लुक देती है आपको, सॉफ्ट लुक देती है, थोड़ा सा ट्रेंडी और मॉडर्न दिखाने में हेल्प करती है। ऑल्सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अगेन ट्रेडिशनल साड़ीज़ की, तो जैसे मेरे पास ये बनारसी साड़ी थी, इसमें पूरा जाल वर्क था भरा हुआ काम, तो आप ट्रेडिशनल साड़ीज़ अगर आपको लेनी है तो ऐसा लीजिए जिसमें कम काम हो, कम जरी वर्क हो, थोड़ी सी कम एम्ब्रॉयडरी हो, तो आप ट्रेडिशनल साड़ीज़ भी ले सकते हैं लेकिन थोड़े से मॉडर्न लुक में आप ढूंढने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट बॉर्डर वाली साड़ीज़, तो जितने भी चौड़े बॉर्डर वाली साड़ी होती हैं वो आपको सिंपली अवॉइड करना है। पतले बॉर्डर वाली साड़ी लीजिए या फिर जिसमें कोई बॉर्डर नहीं है, ऐसी साड़ी आप पिक कीजिए, वो आपको यंग दिखाने में काफ़ी हेल्प करती हैं। पर्सनली मुझे भी बॉर्डर वाली साड़ीज़, मतलब अगर मैं बॉर्डर वाली साड़ीज़ लेती हूँ तो थोड़े से पतले बॉर्डर वाली साड़ी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा चौड़े चौड़े बॉर्डर्स जो होते हैं ना, उसमें लुक थोड़ा सा मैच्योर दिखता है, एक तो वो ना आपके बॉडी फ्रेम को भी थोड़ा सा वाइड दिखाती हैं, तो इसलिए उसमें लुक थोड़ा सा मैच्योर आता है। सो गो फॉर थिन बॉर्डर्स और बॉर्डरलेस साड़ीज। जिन साड़ियों में बॉर्डर नहीं होता या फिर थोड़ा पतला बॉर्डर होता है, ऐसी साड़ियों में आपका बॉडी फ्रेम भी काफ़ी टॉल और स्लिम दिखता है, एंड अगर आप स्लिम दिखेंगे ना तो थोड़े से यंग भी दिखेंगे। मानो या ना मानो, वी शुड ऑल लव आवर बॉडीज, बट कहीं ना कहीं स्टाइलिंग से बहुत फर्क पड़ता है, सो व्हाई नॉट। नाउ कमिंग टू द ब्लाउज, तो जो ब्लाउज की जो स्लीव्स हैं ना, उन पर आपको स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत है। स्लीवलेस ब्लाउज पहनिए आप, या फिर फुल लेंथ की स्लीव्स आप पहनिए, या फिर आप एल्बो स्लीव्स जो स्मार्ट स्लीव्स जो होती हैं उनको आप पहनिए, बट सिंपली अवॉइड 3/4 लेंथ की स्लीव्स जो होती हैं, उसमें लुक बहुत ज़्यादा मैच्योर लगता है। 3/4 लेंथ की स्लीव्स कभी नहीं पहनी है, या फिर ये जो हाफ वाली स्लीव्स होती है ना वो भी नहीं पहनी है। 3/4 लेंथ की स्लीव्स पहनो, आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, काफ़ी स्मार्ट लगती हैं एंड उसमें आपके हाथ भी काफ़ी स्लिम लगते हैं। सो गो फॉर एल्बो स्लीव्स, और स्लीवलेस आप पहन सकते हैं, स्ट्रैपी नेकलाइन आप पहन सकते हैं, या फिर आप फुल स्लीव्स फुल लेंथ में आप रख सकते हैं। अगर आप विंटर्स वगैरह पहन रहे हैं तो फुल लेंथ में पहनिए, बट 3/4 को आप सिंपली अवॉइड कीजिए। नेकलाइंस की अगर मैं बात करूँ तो स्मार्ट क्लीन नेकलाइंस आप रखिए, जिसमें आपका लुक बहुत अच्छा लगेगा, स्मार्ट लगेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा पैटर्न्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कटआउट्स, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग्स होती हैं। डोरी वाले ब्लाउज सिंपली उनको अवॉइड करना है, बस आपको सिंपल डिज़ाइंस, वी नेक डिज़ाइन, राउंड नेक, स्वीट हार्ट शेप, इस तरह के जितने भी क्लीन नेकलाइंस होते हैं ना, ये बहुत स्मार्ट लुक देते हैं, कहीं ना कहीं आपके साड़ी के लुक को बहुत इन्हांस कर देते हैं। सो कीप इट सिंपल, कीप इट मिनिमल अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप। बहुत ज़्यादा हैवी भी मत रखिए अपने ब्लाउज को। अगर आपकी साड़ी एकदम बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल प्लेन है, तो आप हल्का फुल्का काम अपने ब्लाउज में रख सकते हैं, बट अगर आपकी साड़ी में थोड़ा बहुत काम है, बॉर्डर है, तो अपने ब्लाउज को सिंपल ही रखिए। जितना सिंपल रखेंगे ना उतना अच्छा लगेगा, एंड जैसे कि मैंने बताया कि हैवी एम्ब्रॉयडरी में तो वैसे
भी लुक थोड़ा सा मैच्योर ही आता है, एंड अगर साड़ी भी हैवी वर्क की होगी एंड ब्लाउज़ भी हैवी वर्क का होगा तो वो लुक बहुत ज़्यादा मैसी सा लगेगा। सो कीप योर ब्लाउज़ रियली सिंपल, नेकलाइन उसका सिंपल रखिए, स्लीव्स जैसे मैंने बताया आपको 3/4 लेंथ की स्लीव्स को आप अवॉइड कीजिए, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर लुक देती है। ऑल्सो यू कैन चूज़ क्रॉप टॉप्स, अगर आप को थोड़ा सा स्मार्ट ट्रेंडी लुक चाहिए ना तो क्रॉप टॉप्स आप पहने, मैं तो बहुत पहनती हूँ अपनी साड़ीज़ के साथ। ब्लाउजेस को आप डिच करके अपने क्रॉप टॉप्स को पहनिए, स्पेशली जैसे बहुत सारी साड़ीज़ हमारे पास होती है ना, उनके ब्लाउजेज़ हमारे पुराने टाइप के सिले हुए रखे हुए हैं एंड वो साड़ी भी ऐसे कैसे ही रखी हुई हैं, बट आप उन साड़ीज़ को निकालिए एंड क्रॉप टॉप्स के साथ मिक्स एंड मैच करके पहनिए तो आपको एक स्मार्ट यंग लुक आपको उन साड़ीज़ में मिलेगा। सो ब्लाउज़ की जगह पर आप क्रॉप टॉप्स यूज़ कर सकते हैं, या तो आप अपने ब्लाउजेस को थोड़ा सा स्मार्ट तरीकों से सिलवाओ या फिर आप क्रॉप टॉप्स के साथ पहनो अपनी साड़ीज़ को, आपको ज़्यादा अच्छा मॉडर्न ट्रेंडी लुक मिलेगा। जो क्रॉप टॉप्स होते हैं ना वो ज़्यादातर बहुत ही सिंपल नीट डिज़ाइंस में आते हैं, इसीलिए वो साड़ी के साथ ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं, एंड इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने ब्लाउजेस को भी थोड़ा सा सिंपल क्लीन नेकलाइंस में रखिए। जैसे क्रॉप टॉप्स होते हैं ना वो बिल्कुल क्लीन कट्स में आते हैं, इसीलिए वो अच्छे लगते हैं साड़ीज़ के साथ, इसीलिए वो ज़्यादा अच्छे यू नो मॉडर्न लुक आपको देते हैं। अगर आप अपने ब्लाउजेज़ भी उसी पैटर्न्स में सिलवाएंगे तो वो भी आपको वैसा ही लुक देंगे, बट अगर आपके पास ब्लाउज़ ऑलरेडी आपका स्टिच हो चुका है पुराने डिज़ाइन का है तो आप उनको टिच करके क्रॉप टॉप्स से रिप्लेस कर सकते हैं, क्रॉप टॉप्स में बहुत स्मार्ट लुक आता है। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ अपने चैनल पर ऑलरेडी डाली हुई हैं, क्रॉप टॉप्स का मैंने कलेक्शन भी दिखाया है, क्रॉप टॉप्स के साथ लुक्स भी दिखाए हैं, तो वो वाली वीडियोस आप मेरी ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। हेयर स्टाइल में आप सिंपली अवॉइड कीजिए बंस एंड ब्रेड्स को, इसमें चेहरा थोड़ा सा मैच्योर लगता है। अगर आप खुद से बना रहे हैं ना जूड़ा या फिर चोटी वगैरह बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें मैच्योर लुक आता है। हाँ, अगर हेयर स्टाइलिस्ट बना रहा है तो वो थोड़ा सा स्टाइलिंग के थ्रू एडजस्ट कर सकता है, बट अगर आपको नहीं आता है स्टाइलिंग वगैरह करना तो आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे, तो बन और ब्रेड्स को आप अवॉइड कीजिए। कोई ऐसा हेयर स्टाइल कीजिए जिसमें आपका चेहरा थोड़ा सा यंग दिखे। आप मिडिल पार्टीशन को भी अवॉइड कर सकते हैं, मिडिल पार्टीशन मेरे ऊपर तो बहुत गंदी लगती है, चेहरा बहुत मैच्योर सा लगता है, सो मैं हमेशा साइड पार्टीशन रखती हूँ, साइड से ऐसे बाल निकाल के रखती हूँ, तो वो ज़्यादा स्मार्ट लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे ऊपर। तो आप इस तरह के हेयर स्टाइल्स रखिए जो आपके फेस को सूट करते हैं, आपके फीचर्स को और हाईलाइट करते हैं, इस तरह के हेयर स्टाइल्स को आप रख सकते हैं। आप बालों को खुला रखने की कोशिश कीजिए, बांधने से अच्छा रहेगा कि आप अपने बालों को खुला रखिए। बालों को खुला रखने से ना थोड़ा सा फ्रेशनेस ऐड होती है, आपका चेहरा थोड़ा और फ्रेश सा लगता है, सो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। ऑल्सो अगर आपको बालों को बांधना ही है, हेयर डू वगैरह कराना है, तो आप किसी हेयर स्टाइलिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, बट हाँ बंस को और ब्रेड्स को आप सिंपली अवॉइड कीजिए। ऑल्सो मिडिल पार्टीशन को भी अवॉइड कर सकते हैं, बाकी आप ट्राई करके देखिए आपके फेस पे क्या सूट करता है। तब मैं एक और चीज़ बताऊँ, मैं जिस दिन हेयर वॉश नहीं करती हूँ और ऐसे ही रेडी हो जाती हूँ तो भी मेरा चेहरा ना बहुत थका थका सा और डल सा लगता है, और अगर मैं हेयर वॉश करती हूँ तो मेरा चेहरा एक मतलब बाल फ्रेश रहते हैं तो चेहरा भी फ्रेश दिखता है। सो ये चीज़ भी बहुत हेल्प करती है, और आपने नोटिस भी किया होगा शायद ये चीज़, तभी इसीलिए हम जब कहीं जाते हैं तो हमेशा हेयर वॉश करके जाते हैं, काफ़ी फ्रेश लगता है लुक। सो अभी रिसेंटली ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी हेयर फॉल की, विंटर्स में इस बार मेरे बाल बहुत ख़राब हुए हैं, बहुत ही इची हो गई थी मेरी स्कैल्प, काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ भी हो गया था एंड हेयर फॉल बहुत बढ़ गया था। सो डैंड्रफ को मैंने कंट्रोल किया अपने इस रेंज से, लेमन रेंज मैंने ट्राई की मामा अर्थ की। सो दिस इज़ मामा अर्थ लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू एंड मामा अर्थ लेमन एंटी डैंड्रफ कंडीशनर। इसमें है लेमन जो डैंड्रफ को दूर करके स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, जिंजर है जो स्कैल्प को इचीनेस और ड्राइनेस को सूट करता है और हेल्दी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसको मैंने रेगुलरली यूज़ किया, मेरी स्कैल्प हेल्दी तो हुई ही है, प्लस मेरे जो बाल हैं वो काफ़ी सॉफ्ट भी हो गए हैं और बहुत ज़्यादा जो फ्रिजीनेस थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई है, हेयर फॉल भी कंट्रोल हुआ है। ऑल्सो क्या खुशबू है इसकी, बहुत ही प्यारी लेमनी फ्रेश सी खुशबू है, बहुत ही प्यारी खुशबू है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना, एकदम सेफ़ है ये, कोई हार्मफुल केमिकल्स इसमें नहीं है, ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, सल्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री है, एंड यू ऑल नो मामा अर्थ हमारा इंडियन देसी ब्रांड है, प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। सो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, आप इसको ले सकते हैं अपने पास की किसी भी शॉप से, मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स हर जगह अवेलेबल हैं आजकल, और ऑनलाइन लेने के लिए आप mamaearth.in या फिर मामा अर्थ की ऐप से जाके शॉपिंग कर सकते हैं। मेरा कूपन कोड आप वहाँ पर ज़रूर यूज़ कर लेना फॉर एक्स्ट्रा 20% ऑफ, मेरा कोड है Aanchal2023। ऑल्सो मामा के प्रोडक्ट्स आपको Amazon, Flipkart, Nykaa, Purple पे भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हैं, मैं सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, डू चेक इट आउट। सो ये तो थी बालों की बात, अब आते हैं मेकअप पे। मेकअप को भी आपको थोड़ा सा मिनिमल सॉफ्ट मेकअप रखना है, डार्क कलर्स यूज़ नहीं करने हैं अपने चेहरे पे, स्पेशली अगर आपकी एज ऑलरेडी ज़्यादा है। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, मैं लेट 30s में हूँ, तो अगर मैं बहुत ज़्यादा डार्क
आई शेडोज़ वगैरह लगाती हूँ तो मेरे आईज़ के आसपास जो हल्की हल्की फाइन लाइंस हैं वो और ज़्यादा लाउड हो जाती हैं, वो और ज़्यादा नज़र आती हैं जब भी मैं डार्क कलर्स यूज़ करती हूँ अपने आईज़ के अराउंड। तो मैं अपने आईज़ को ज़्यादातर सिंपल ही रखती हूँ, एकदम न्यूट्रल कलर्स उस पर अप्लाई करती हूँ ताकि मेरी आईज़ पे इतना अटेंशन ना जाए और मेरी फाइन लाइंस उतनी नज़र ना आए। जब भी आप डार्क कलर्स अपने चेहरे पे यूज़ करेंगे ना तो वो आपके चेहरे को थोड़ा सा मैच्योर लुक देंगी ही देंगी। अगर आप यंग भी हैं तो भी आप ये चीज़ नोटिस करना कि डार्क कलर्स यूज़ करते ही कहीं ना कहीं आपके चेहरे का लुक थोड़ा सा मैच्योर लगने लगता है। तो थोड़ा सा ना सॉफ्ट रखिए अपने मेकअप को, लाइट कलर्स यूज़ कीजिए, सॉफ्ट पिंक्स और सॉफ्ट न्यूट्रल कलर्स आप यूज़ कीजिए। एंड लिपस्टिक में भी डार्क कलर की लिपस्टिक को अवॉइड करते हुए आप थोड़े से न्यूड कलर्स पिक कीजिए, पिंक न्यूड्स, ब्राउन न्यूड्स, इस तरह के कलर्स आप अप्लाई कीजिए। जब भी डार्क कलर्स आप अप्लाई करते हैं ना, स्पेशली डीप रेड या फिर वाइन कलर, इस तरह के कलर्स में आपका जो माउथ वाला एरिया है वो पूरा हाईलाइट हो जाता है। एंड अगर आपकी एज ज़्यादा है अगेन तो आपके फाइन लाइंस वगैरह, आपके लाफिंग लाइंस वगैरह और ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं। कभी भी नोटिस करना, डार्क कलर की लिपस्टिक में आपका चेहरा हमेशा मैच्योर लगेगा। सो अवॉइड डार्क लिपस्टिक्स एंड डार्क आई शेडोज, गो फॉर सिंपल सॉफ्ट लुक्स, हल्के लाइट शेड्स आप यूज़ कीजिए, न्यूड कलर्स आप यूज़ कीजिए। नाउ अगेन मैंने ये बात कितनी बार अपनी वीडियोज़ में बोली है, हैवी ज्वेलरी हमेशा आपको अवॉइड करनी है किसी भी लुक के लिए, चाहे वो आप कुछ भी आप स्टाइलिंग कर रहे हैं, बट स्पेशली साड़ीज़ के साथ तो बहुत सारी ज्वेलरी आप बिल्कुल मत पहनिए। सिंपल रखिए, सिर्फ और सिर्फ ईयरिंग्स पहनो, स्टेटमेंट ईयरिंग्स, वो हमेशा स्मार्ट लगते हैं, आपको ज़्यादा यूथफुल लुक देने में हेल्प करेंगे। बहुत ज़्यादा हैवी नेक पीसेज भी पहनना, उसके साथ कानों में भी पहन लेना, बहुत ज़्यादा आपको मैच्योर लुक दे सकते हैं। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही पहनती हूँ, मैं चाहे शादी में जा रही हूँ या फिर किसी फंक्शन में जा रही हूँ, मैं ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ईयरिंग्स पहनना ही प्रेफर करती हूँ। तो आप ट्रेडिशनल साड़ीज़ के साथ भी ये चीज़, ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, जैसे मैंने अपनी ये बनारसी साड़ी के साथ सिर्फ और सिर्फ ईयरिंग्स पहने तो काफ़ी अच्छा लग रहा था लुक पूरा। मैंने शादी में ये लुक कैरी किया था, सो काफ़ी सॉफ्ट सा लुक था एंड बहुत ज़्यादा मेरा ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरी एज बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इसी के साथ वो खूब सारे हैवी नेकलेसेस पहन लेती तो कहीं ना कहीं लुक पे थोड़ा सा असर पड़ जाता, कहीं ना कहीं मेरा लुक थोड़ा सा मैच्योर लगता उसमें। बट ज्वेलरी से आप अपना पूरा स्टाइलिंग का गेम चेंज कर सकते हैं। सो कीप इट सिंपल, कीप इट मिनिमल, कम से कम ज्वेलरी पहनिए। अगर आपको नेकलेस पहनना है तो आप उसके साथ आप हल्के फुल्के ईयरिंग्स पहनिए, कुछ ऐसे नेकलेसेस पहनिए जो थोड़े से मॉडर्न डिज़ाइन में हो, प्रॉपर ट्रेडिशनल डिज़ाइंस वाले नेकलेसेस मत पहनिए, थोड़े से मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी डिज़ाइंस में आप अपनी ज्वेलरी चूज़ कर सकते हैं। एंड मैं आपको बेस्ट यही कहूँगी कि आप चोकर नेकलेसेस और गले में जो भी हैवी नेकलेसेस होते हैं उनको स्किप करते हुए सिर्फ स्टेटमेंट ईयरिंग्स पहनो, झुमका ईयरिंग्स, चांद वाली ईयरिंग्स, इस तरह के ईयरिंग्स काफ़ी ट्रेंडी एंड मॉडर्न लुक देते हैं। बैंगल्स में भी खूब सारी भरी भरी बैंगल्स हम पहन लेते हैं, उनको भी अवॉइड कर सकते हैं। आप सिर्फ सिंपल एक कड़ा पहनिए, एक हाथ में वॉच पहनिए, वो ज़्यादा स्मार्ट लुक देती है। बट अगर आपको बैंगल्स पहननी ही है, लाइक होता है ना कि हमको साड़ी के साथ कंपल्सरी है बैंगल्स पहनना, तो प्लेन बैंगल्स पहनिए, उनके साथ आगे पीछे आप कड़ा ऐड कर लो, प्लेन बैंगल्स पहनो। बहुत ज़्यादा वर्क वाली जो बैंगल्स होती हैं उनको आप अवॉइड करो, वो भी बहुत ज़्यादा ना टैकी सा और मैच्योर सा लुक देती हैं। ओके गाइस, सो ये थे कुछ स्टाइलिंग टिप्स जो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं अगर आपको साड़ीज़ में यंग दिखना है, ट्राई ज़रूर करना इन टिप्स को। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको थम्स अप ज़रूर देना, और भी ऐसी वीडियोज़ देखनी है अगर आपको तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना और क्या वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ। एंड येस, आप मुझे मेरे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा आईडी है माय ऑलिव ट्रंक। सो यार, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ जल्दी ही अब आपको भी नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर, बाय।